अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। व्लॉग में आज हम बनाने लगे हैं हुसैन के फेवरेट बैंगन फ्राई, और ये होंगे क्रिस्पी बैंगन फ्राई, जिसके लिए मैंने बेसन ले लिया है और बेसन के साथ मैंने बैंगन लिए हैं और बैंगन के साथ मैंने लिया है नमक। आई थिंक नमक आई कुडंट एड हियर। मैंने लिया है काले मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा, हल्दी और सूखा धनिया, और इसके साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि है चावल का आटा, वो और नमक मैं ऐड करूंगी। स्टे ट्यून। यहाँ मैंने बेसन लिया है सिर्फ आधा कप, और उसमें मैं ऐड करूंगी, ये मेरे पास है चावल का आटा जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, एक चम्मच के बराबर मैं इसमें ऐड करूंगी चावल का आटा, क्योंकि हमने थोड़ा सा इनको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है, तो ये रेसिपी बेसन के साथ जो है वो है ही मिक्स करके चावल का आटा। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। इसको मैं करूंगी मिक्स। मिक्स करने के बाद क्योंकि इसमें लंप ना बन जाए, इसलिए मैं इसमें चावल का जो बचा हुआ आटा है वो मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट वी कुड डू इज, हम पेस्ट लगाने के बाद, बेसन का पेस्ट जो है वो लगाएंगे, और वो लगाने के बाद हम इसको रैप कर सकते हैं राइस पाउडर के अंदर। सो इसको हम ऐसे पेस्ट बनाएंगे, फाइन पेस्ट हमने बनाना है और पतला बनाना है, क्योंकि अगर हम मोटा बनाएंगे तो वो बहुत थिक कोटिंग हो जाएगी। सो इसका पेस्ट बनाने के बाद हम बैंगन को करेंगे फ्राई, जिसके लिए प्री हीट ऑयल इज ऑलरेडी। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक में मेरे पास फाइन पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है, क्योंकि मैंने राइस इसमें ऐड किए थे तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो डिफरेंट ही रहेगा। अच्छा, इसको हमने इस तरह से टू साइड डिप कर लिया है। डिप करने के बाद अब मैं इसको चावल के आटे में इस तरह से डिप करूंगी, और डिप करने के बाद मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड मोहम्मद। अब मैं लूंगी सेकंड बैंगन को इसी तरह से मैं इसमें डिप करूंगी। मुझे भी करना है। ठीक है, और इसी तरह से मैंने इसको डिप किया है। डिप करने के बाद मैं इसको पैन में इस तरह से ऐड कर दूंगी। दो हम बनाएंगे इस तरह से, और दो हम बनाते हैं सादे, ताकि हम दोनों के डिफरेंस को जो है फील कर सकें, क्योंकि जो चावल ऊपर लगा के हम बनाएंगे दैट वुड बी मोर क्रिस्पी, और सिंपल कोटिंग वाला जो है वुड बी डिफरेंट। सो इस तरह से मैं इसको डिप करके मैं इसको ऐड कर दूंगी पैन में। सो टू आर विद राइस पाउडर एंड टू आर विदाउट राइस पाउडर। सो इनको करते हैं गोल्डन, और फिर देखते हैं कि फाइनल लुक इनकी कैसी लगती है। बैक और वेलकम बैक में हमारे जो क्रिस्पी बैंगन हैं दे आर ऑल रेडी टू रॉक, और मैंने इनको एक साइड से गोल्डन होने के बाद टर्न कर दिया है। टेक्सचर में ही आपको फर्क लग रहा होगा कि ये जो दो हैं दे आर विद राइस पाउडर और दे आर विदाउट राइस पाउडर। सो आप इसको दोनों साइड गोल्डन करने के बाद सर्व कर सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ या इमली सॉस के साथ, तो ये बहुत ही क्लासी लगते हैं। सो फॉर नाउ ये जो दो मैंने विद राइस पाउडर बनाए हैं ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि दे आर ऑल रेडी टू सर्व, और सर्विंग प्लेट मेरे पास आ चुकी है। और इस तरह से कुछ हमारे स्प्रिंग जो हैं वो लग रहे हैं, रिंग बैंगन जो हैं वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। आप इसको व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और हुसैन के फेवरेट बैंगन जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।